कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर किस तरह इन्हेंस कर रहा है बाय अनाउंसिंग ए हिंदी चेयर। Position of India on the world stage is now much greater than it was 9 years ago. It is taking a lead in many, many areas. The things that he's doing is unique and different compared to all prime ministers. The 33% designation of seats is absolutely great. खबरें सामने आ रही हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं कि यूके पार्लियामेंटेरियंस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ज्यादा प्रेज किया, स्पेशली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है यूके के अंदर जहां पर भारत की डेवलपमेंट दिखाई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत को जितना डेवलप किया है, जितनी कोशिशें की हैं भारत के लिए, उन सबको मेंशन किया है, दिखाया भी है, तारीफ भी किया है और सेलिब्रेट भी किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की किताबें अंदर रखी गई हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ में बहुत सी लाइन्स बोली गई और ये भी बोला गया कि हम इंस्पिरेशन हासिल करेंगे भारत से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से। तो ऐसा हुआ है यूके, फिर भारत का झंडा भी वहाँ पर लहराया गया है, भारत और यूके का झंडा एक साथ वहाँ पर लहराया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप चेयर्स अनाउंस करते हैं किसी मुल्क में, तो इट मींस आप उस मुल्क के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी सॉफ्ट पावर, अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री और उनकी अवाम के अंदर जो कनेक्शन है वो बिल्ड करते हैं। सो इंडिया ने जहाँ पे बाकी काम किए हैं, इंडिया ने वहाँ पे ये काम भी किया है कि उन्होंने उस चेयर का ऐलान किया है। दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, कहां है आप, कहां है आप, आपकी पोजीशनिंग है। मैं दुख के साथ ही कहूंगा, मेरे साथ कोई डिबेट करे, आप अपने मुल्कों में, जिन मुल्कों में रहते हैं वहां भी आप जलील हो रहे हैं और बाहर भी जलील। जय हिंद दोस्तों, यूके के सांसद भवन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अरेंज किया गया था, जहां पर सभी लोग यूके के जुटे हुए थे। वही प्रधानमंत्री पीएम मोदी की तारीफ की गई कि महज 10 साल के अंदर उन्होंने भारत को कितना ग्रो किया है, कितना भारत के लिए इंस्पिरेशन जो है लेकर आए हैं, मोदी के इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से मोदी जी ने भारत को इतना आगे बढ़ाया, मोदी जी की तारीफ भी की, मोदी जी की किताबें भी वहाँ पर रखी गई थी, साथ में जो है भारत का झंडा भी लहराया गया, भारत और यूके का एक साथ झंडा भी लहराया गया और उनके बहुत सारी बातें में जो हों तारीफ की गई। ये देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग बिल्कुल सुन रह गए कि भाई मोदी की तारीफ जो है नेक्स्ट लेवल तक हो रही है। ये देख करके सभी लोग हैरान हो चुके हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी महज 10 साल के अंदर भारत को इतना आगे ले जा चुके हैं कि बड़ी बड़ी कंट्री या बड़े बड़े लोग जो है भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत की मोदी पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि इतना बढ़िया प्रधानमंत्री ने काम किया है भारत को आगे ले जाने में, कि उसका जो है। खबरें सामने आ रही हैं, वीडियोस वायरल हो रही है कि यूके पार्लियामेंटेरियंस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ज्यादा प्रेज किया, स्पेशली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कि ना सिर्फ वहां पर इंडियन कम्युनिटी के लोग बल्कि यूके के अपने सिटीजंस भी वहां पर मौजूद थे, ऑफिशियल्स भी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सल्यूट किया है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की है। तो कुछ शर्म करने आ पता नहीं कैसे, तो मैं हैरान होता रहा था, केड़ी केड़ी मेटल दे तुसी बने हो यार, केड़े पत्थर दे बने हो तुसी लोग, कोई कुछ कहंदे नहीं यार, कुछ शर्म आ जाए, कोई मेरा मकसद है, कोई हया आ जाए कि हमने मरना है, हमने जान देनी है, ना साडे सारेयां ते मुसलमाना वाले ने, लेकिन कोई एक इस्लाम वाली बात ही नहीं, हमारे दूर से भी नहीं गुजरा इस्लाम नजदीक, ना मुसलमान है ना पाकिस्तानी है। मैं तो कई दफा सोचता हूं शायद इंसान भी है या नहीं, हम हैं क्या। सही बात कह रहे हैं दार साहब, वो जो नेशनलिज्म की कमी है हमारे अंदर, वो नहीं नेशनलिज्म की चीमा सब आपके, चलो मैं मान ली ना आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं, जो इस वक्त गाजा में हो रहा है कोई है किसी के माथे पर बल, और सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, एवरेज 1500 से 2000 बंदा डेली बेस पे मारना, एवरेज जिन्हों को पैसे नहीं वो ही नहीं कुछ कर सकते, तो हम तो फिर हमने क्या करना है जब वो के साथ खड़े होकर जवाब उसके साथ। खैर आपके तो पोजीशन ही नहीं ना, आप तो अपने साथ ही नहीं खड़े, किसी के साथ क्या खड़े होना, आपने आपको तो टीटीपी ले दे गई ना, डेरा इस्माइल खान से भी मार गया थोड़ा, वो तीन बंदा मार गया, आप भी तो हालत गजा में ही है ऑलमोस्ट, आपके क्या हालात है। लेकिन ये अरबे दूजे ने जेडे मेरे बैठे ने कतरी थे, कोती थे, सऊदी थे, जेडे जिनके 70-70 बच्चे हैं 18-18 बीवियों से, कम ही हो रहे हैं कोई सारी दिहाड़ी, सुबह शाम बच्चे ही बना रहे हैं, बस टीके ला रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं, कोशिश को नहीं जानवर वाली जिंदगी को जिंदगी है। इन्हें पैसे एक स्कूल तक नहीं बनाया इन्होंने उत्तर मिडल ईस्ट के बीच, एक अस्पताल तक नहीं बना सके जहां ये अपना इलाज करा सके, आज भी मैं जिस शहर बैठा हूं यहां आते हैं। ये है कि देखें जी, वो जो भारत का वो कर रहे हैं ना, ये एक जो गैर मुस्लिम लॉबी है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ये आपस में दोस्त हैं,
मगर ये आपके आपके साथ इनका दोस्ती वाला कोई तलक नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक हदायत आई है, इसको देखें आप, कभी भी ये आपके अपने नहीं बन सकते। सर दुबई और जो सऊदीया है, बता रहा हूँ, दुबई और सऊदीया में उन्होंने जिस तरह के देखें, उनकी बड़ी स्टडी है, उनका बड़ा इलम है कि कौन से मुसलमान हैं, क्या ये कर रहे हैं। अब देख लें फलस्तीन के ऊपर ही अगर मुसलमानों की अगर बेस लें तो वो सऊदीया और दुबई वाले हमारे बड़े हैं ना, तो वो खामोशी इख्तियार की हुई है। एक यहाँ पर मैं आपको बात बोलना चाहूँगी, आपने बात की कि गैर मुस्लिम लॉबी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, कहने को तो हमारा सबसे बड़ा नॉन मुस्लिम दोस्त है ना चाइना, वो हमारा दोस्त है ना चाइना। अब सुन लीजिए, अब अगर हम सऊदीया अरब ममालिक को ले लें, मुस्लिम ममालिक को ले लें, उनके कितने अच्छे ताल्लुकात हैं भारत के साथ, इवन अब तो वो इसराइल के साथ अच्छे कर रहे हैं। चलें वो एक अलग बात है, बात असल ये है कि वो अगर आप कह रहे हैं कि वो इंडिया को फेवर क्यों कर रहे हैं, वो इंडिया के फेवर इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जो तासर जा रहा है ना दुनिया में, वो कह रहे हैं कि हम मुतहिद हैं, हमारी तरफ से जो तासर जा रहा है वो जुदा जुदा है। अदालत क्या कर रही है, सियासतदान क्या कर रहे हैं, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, अदारे रवा रवि का शिकार हैं, ये सारी चीज़ें मुल्क से बाहर जब जाती हैं तो वो देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक टेक्सटाइल से तलक है, हमारे पास यूके से एक कंपनी आई हमारे पास आर्डर लेके, तो उसने कहा कि ये चीज़ हमें आप इतने की देंगे, हम कह रहे थे कि इतने की देंगे, उसने मुझे जो था ना वो हमारे वो जो यूके वाले गोरा था, उसने हमारे डायरेक्टर को कहा कि यहाँ से माल रोड से आप अगर जाते हैं ना गुलबर्ग तो इतना किराया लगता है, आप कह रहे हैं कि जी इतना लग इतना, एक एक रुपये के ऊपर उनको पता था कि वैगन वाला 10 रुपये किराया लेता है, दूसरा 20 रुपये लेता है, रक्शे वाला 200 रुपया लेता है, तो वो उन्होंने इतना मुतालिया था उनका, तो इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान को देखा है कि पाकिस्तान वाले खुद एक घर के अंदर इत्तफाक नहीं है तो बाहर वाला इज्जत कैसे करेगा, एक घर में लड़ाई हो रही हो तो दूसरा हमसाया उसको बुलाएगा नहीं, वो उसको बुलाएगा जो गरीब ज़रूर है मगर वो मुतहिद हैं। भारत इस वक्त मेरा ख्याल है कि चाइना के बाद दूसरा मुल्क है तरक्की के लिहाज से, तो यूके में क्या वो तो ना, दुबई में भी उसका बड़ा नाम है, हर मुल्क में है, तो वो कैसे पता? मैं दुबई ना कर ना होके आया हूँ विजिट वीज़े पे, लेकिन उधर ना मसनुआ जो है ना इंडिया की बहुत ज़्यादा है, ना सऊदीया में आप चला जाएं हज उमरे के लिए तो उधर सबसे ज़्यादा मसनुआत इंडिया की बिक रही हैं। क्या क्या मसनुआत बिक रही हैं वहाँ पर? यानी कि जो भी चीज़ है, खिलौने ले लें आप, कोई भी कपड़ा ले लें, इंडिया की बहुत चीज़ें हैं उधर, सब कुछ मेड इन इंडिया का है, मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया। अच्छा मुझे ये बताएगा आप कि भारत हमसे इतना आगे क्यों निकल गया? देखें भारत जो है ना वो तरक्की कर रहा है हर चीज़ में, उसकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो फैक्ट्रियों को सब्सिडी देता है, बिजली की तरफ से सब्सिडी देता है, हमारे मुल्क में अगर कोई फैक्ट्री लगा ले उसको जड़ से उखाड़ देते हैं, तो उसने तो तरक्की कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपकी नज़र में क्या तरक्की की है भारत के लिए, क्या डेवलपमेंट की है? आप खुद देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आया है तो उसने बगैर वोटिंग से वो दोबारा भी आ गया है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इलेक्शन होंगे तो फिर वो आ जाएगा, तो इसमें आपको साफ नजर आना चाहिए उसने अपने बुले के लिए क्या किया, क्या किया? मेरे कि ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पू रहती हैं इंडिया में, अच्छा। इंडिया में तो वो हमें कि ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं, अच्छा। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया, अब वो बेहतर जानते हैं उस मुल्क में रहते हैं। आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है, ऐसे ही है कि नाम ना है मुसलमान कौम है, लेकिन वो इंडिया के हक में बहुत ज़्यादा अपना फेवरेट करते हैं, तो लेकिन मोदी कुछ कर रहा है तो वो अपना उसकी फेवर कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखें कि 300 यूनिट फ्री है। पीएम मोदी की तारीफ देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो जल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम होगा कि किस तरीके से महज 10 साल के अंदर जो है भारत बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है। भारत में अब तक जो है 14.3 करोड़ जो लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर जा चुके हैं, और तकरीबन सभी लोगों को जो है 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री में राशन मिल रहा है। अपने इंडिया के अंदर 80 करोड़ जनता ऐसी है जिसको जो है फ्री में राशन मिल रहा है सबको, और भारत बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया। इस समय भारत की जीडीपी देख सकते हैं अमेरिका चीन से भी आगे निकल गई है, बहुत ही तगड़ा जो है जीडीपी ग्रोथ रेट भारत का चल रहा है। बात करेंगे लीडरशिप में, तो लीडरशिप में भी जो है नंबर वन पर मोदी जी, अप्रूवल में देख सकते हैं किस तरीके से लीडरशिप का रैंकिंग आया था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी जो है सबसे हाईएस्ट पे थे, 76% जो है लीडरशिप में नंबर वन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं।
इसी बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया के लोगों के अंदर जो है किस तरीके से इस बात को बता रहे हैं आप देख सकते हैं। वही बात करेंगे यूके के अंदर सांसद भवन के अंदर किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से 10 साल के अंदर भारत को इतना ग्रो किए हैं और नरेंद्र मोदी जी एक इंस्पिरेशन है जो उन्हें देख करके हम लोग भी आगे चलेंगे और अपने कंट्री को जो है आगे ग्रो करेंगे। साथ में यूके का भी झंडा लहराया गया, साथ में भारत और यूके दोनों का झंडा लहराया गया, मोदी जी की तारीफ भी की गई।